الشهر رمضان هذه سنتي فرضا لله تعالى. نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا لله تعالى. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो है जी सहरी रूटीन पे। मैंने बहुत पहले से ही ये वीडियो शेयर कर देनी थी। सो लास्ट वीडियो पे मैंने आप लोगों को बोला था कि मेरी भाभी के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, वो बहुत बीमार हैं। तो आप लोगों ने बहुत सारी दुआएँ दी। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सब लोगों का, और आप सब लोगों ने मुझे मैसेजेस करके पूछा कि आपकी भाभी को हुआ क्या है, बताएं क्या हुआ है। तो मैंने आप लोग को बोला था दुआ कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और जी वीडियो मैंने बहुत पहले से शेयर कर देनी थी। सो मैंने इंस्टाग्राम पे जो है एक स्टोरी शेयर की थी अपनी सहरी रूटीन पे, तो मुझे बहुत से मैसेजेस आए कि आप अपनी जो है सहरी रूटीन शेयर करें यूट्यूब पे। तो मैंने इसलिए सोचा कि चलें, पहले से मैंने कर देनी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी जो है घर पे प्रॉब्लम चल रही थी, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा थी। सो खैर अल्हम्दुलिल्लाह जी अब सब बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और जी सहरी रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, सिंपल सी सहरी है। भाभी ने जो है वो रोज़ा नहीं रखना होता, ना ही अम्मी रखती हैं, और मैं, भाई और बच्चों ने रोज़ा रखना था। सो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पराठे भी मैंने बनाने थे और रोटी भी, सिंपल रोटी जो है वो मैं खाती हूँ और बाकी सब लोग पराठे खाते हैं। बाकी किसी को भी जो है ना सिंपल रोटी खाना पसंद नहीं है, तो इसीलिए जी मैं पराठे जो हैं, पराठे के लिए जो पेड़े होते हैं वो मैं बना के तो पहले से ही उनको रख रही थी ताकि वो अच्छे से सेटल हो जाएं, फिर दोबारा से इनको जब बनाएं तो बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी पराठे बनते हैं। और हमारे घर पे जो पराठे हैं ना वो बिल्कुल ही वो नरम वाले, सॉफ्ट सॉफ्ट वाले नहीं खाए जाते। जब तक उनमें कुरकुरापन ना ना आए, मतलब जब वो कड़कड़ की आवाज़ आती है ना एक उसमें, वो ना ना आए, क्रिस्पी ना हो ज़्यादा, तो वो तब हमारे घर वाले ही खाते हैं। जब बिल्कुल ही सॉफ्ट हो ना तो कहते हैं ये क्या बना दिया। तो खैर वैसे भी मैंने बहुत से तजर्बे किए हैं, मेरे कई बार सॉफ्ट भी बन जाते थे पहले, लेकिन यह कि अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आदत में हो चुकी है, अब कभी कभार बनाने होते हैं। हम वैसे हमारे घर पे ना ज़्यादा पराठे खाए नहीं जाते, अक्सर लोगों के नाश्तों में पराठे वगैरह बनते हैं, लेकिन हम लोग पराठे के शौकीन नहीं हैं इतने ज़्यादा, और ना ही मुझे इतने ज़्यादा पसंद है। तो मैं जो है वो अपने लिए सिंपल रोटी बनाती हूँ, ठीक है। रोटी तो आप लोगों को बनानी आती होगी, और पराठा जो है वो मैंने किस तरह बनाया, पराठे मुझे बहुत से तरीक़ों से बनाने आते हैं। लास्ट ईयर मैंने रमज़ान में आप लोगों के साथ तीन पराठों के तरीके बनाना शेयर किए थे। सो अगर आप लोग को पराठा नहीं बनाना आता है तो आप लोग वो मेरी वीडियो देखिए और इन्जॉय करिए, जी हाँ जी। और पराठे देखिए कितने ही मज़ेदार और क्रिस्पी बने थे, दिल तो मेरा खाने को चाहता है, लेकिन ना पता नहीं क्यों फिर मैं जो है ना इफ्तार के बाद डिनर जो है ना वो नहीं करती, ठीक है। इसलिए मेरा जो सहरी होती है ना वो एक डिनर के तौर पे ही कहलाई जाती है। सो मैं सिंपल रोटी ही खाना पसंद करती हूँ। तो कुछ लोग से होता है कि नहीं भाई तुम क्यों ये इतनी सिंपल रोटी खाती हो ये वो, तो जी हाँ जी इसी तरह ही है भाई। तो जी दाल गोश्त बनाया था, ठीक है, और एक रोटी जो है ना मतलब मेरी थी, ठीक है, और बाकी हम लोगों ने ना किसी को खाने के लिए, मतलब किसी को हम लोग देते हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक बनाई थी मैंने, सही है। और जी अब जी मैं साथ में एग फ्राई कर रही थी, ठीक है, और एग फ्राई मेरा फेवरेट है, और इतने सारे ऑयल में ही इसको फ्राई करने का मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। कम ऑयल में अंडा फ्राई करने का मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, वो साथ चिपक जाता है और मुझे बहुत ही वो ऑकवर्ड मोमेंट लगता है जब वो बिल्कुल ही साथ चिपक जाता है, ठीक है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, परेशान मत होइएगा कि इतने सारे ऑयल में जो है तुम अपने
अंडे को फ्राई कर रही हो। सो जी हाँ जी बिल्कुल, मैं इसी तरह फ्राई करती हूँ, ठीक है। तो सो टेंशन नहीं लेनी। और साथ ही साथ मैं पराठे भी बना रही थी और जो है अंडे भी बना रही थी। और अंडे जो है ना, एक जो है एग वो मैंने ऑमलेट बनाया था और साथ में एक जो है फ्राई बिल्कुल सिंपल बनाया था। और अभी आपको पीछे से आवाज़ आ रही होगी, मैं जो है ना इस टाइम किचन में वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि सब लोग सो रहे हैं और सहरी का बिल्कुल टाइम जो है ना वो बिल्कुल करीब करीब है, ठीक है। तो अभी सहरी स्टार्ट है जी। और जी साथ ही साथ हम लोग दही भी खाते हैं। दही आप लोग भी खाया करें, प्यास जो है उसे नहीं लगती है। और लस्सी जो है ना वो हमारे घर में भी कोई नहीं पीता क्योंकि लस्सी से ना मुझे मतलब मज़े की तो होती है, मतलब मज़े की लगती है, लेकिन उसके साथ उसको पीने के बाद ना मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे गिर गई हूँ, इतनी बुरी मेरी हालत हो जाती है। मुझे बहुत ही शदीद किस्म की नींद आना स्टार्ट हो जाती है, तो इसीलिए मैं नस्सी कहने लगी थी, लस्सी को अवॉइड करती हूँ, ठीक है। और दही खाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और ये है भी हेल्थी। और सहरी के बाद जी हाँ जी आ जाती है टीथ ब्रश करने की। सो अभी हम लोग वही कर रहे हैं, उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे और सो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।